हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे द ब्राजीलियन एरिया का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन फ्लूमिन एंड कोरेंशियंस तो फ्रेंड्स ये मैच खेला जाएगा फ्लूमिनंस के होम पे इसलिए वो लोग स्लाइटली फेवरेट्स होंगे आपको बता दें कि फ्लूमिनन्स कोपा पाल डिव्यर्थ तौर फाइनल में भी है जहाँ पर उनका मैच अर्जेंटाइन क्लब बोका जूनियर से होगा तो फ्रेंड्स इस मैच में जो उनके कोच हैं उनके मैनेजर हैं जिन्हें रिसेंटली ब्राजील में थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है बिकॉज ऑफ इस प्लेइंग स्टाइल फॉर इस नेशनल टीम वो नेशनल टीम ब्राज़ील के मैनेजर है फर्नैंडो गीज और हिमेन्स के भी मैनेजर हैं है. वो इस मैच को बाउंस बैक करना चाहेंगे फॉर द रीसेंट क्रिटिसिज्म अपनी टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहेंगे बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि इन सिंह का पॉलिभरता दौर फाइनल है एक डेढ़ हफ्ते के बाद तो वो बिल्कुल भी अपने मेन और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट नहीं करना चाहेंगे तो इस मैच वी कुड ऑल्सो सी बिट रोटेटेड लाइनअप क्योंकि फ्लूमिनन्स का टाइटल जीतने का चांस ऑलमोस्ट अब जा चुका है इसलिए उनका फुल फोकस होगा कि कोपा लिबर्ता दो रिस्ट जीतें तो वहीं कोरशंस जो कि एक टाइम पर रेलीगेशन स्पॉट में थी उन्होंने थोड़ा सा कम किया है बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते उनका इस सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है सो दे विल बी लुकिंग टू फॉरवर्ड टू फिनिश दिस सीज़न ऑन अ हाई तो इस मैच में हम लोग लगता है कि फ्लूविन फेवरेट्स होगी और इस मैच में हमें लगता है कि वो आराम से जीत सकते हैं बाई वन नील या टू नील स्कोर के मार्जिन से तो फ्रेंड्स आइए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम आपको देंगे बेस्ट फैंटेसी पिक्स स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स और बेस्ट व्यू स्पोर्ट का फैंटेसी कॉम्बिनेशन ऐसे ही अगर आपको और भी मैचेस की टीम्स चाहिए क्रिकेट की और फुटबॉल की तो गो एंड चेक आउट द व्यू व्यू स्पोर्ट स्पोर्ट ऐप आप। ऐप अगर आपको आप पे टीम्स देखने में परेशानी हो रही है और आप नहीं समझ पा रहे कैसे टीम्स देखें तो आप वी क्रेडिट का यूज कर सकते हैं टीम्स देखने के लिए आइए चलिए जानते हैं इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो की कैसे व्यू स्पोर्ट ऐप टीम्स देख सकते हैं व्यू स्पोर्ट की ऐप पर फुटबॉल मैचेस की फैंटेसी इलेवन देखने के दो तरीके हैं नंबर वन होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए अपकमिंग में जिस फुटबॉल मैच का फैंटेसी इलेवन आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए दोनों टीम की आपको दो प्लान का फैंटेसी इलेवन देखना है तो आप पांच क्रेडिट्स यूज करके देख सकते हैं ना सिर्फ फैंटेसी इलेवन बल्कि व्यू स्पोर्ट फुटबॉल टिप्स भी आपको मिलेंगे सेम फाइव वी पे। फैंटेसी वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ View plans पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं which can be monthly, yearly or lifetime. दूसरा तरीका है, आप होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी इलेवन पर क्लिक कीजिए जिन मैचेस के लाइनअप्स आ गए हैं, वो आपको अपकमिंग में दिख जाएंगे। जिस फुटबॉल मैच का फैंटेसी इलेवन देखना है उस पर क्लिक कीजिए आपको फिर से दिखेंगे दो ऑप्शन आप पांच वीक्रेडिट यूज करके फैंटेसी इलेवन देख सकते हैं वैसे भी आपके फर्स्ट फाइव टीम्स आर ऑन अस एक्सप्लोर नाउ तो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया है कि कैसे व्यू स्पोर्ट ऐप पर टीम्स देखी जाती है तो गो एंड चेक आउट द व्यू स्पोर्ट ऐप और चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन से प्लेयर्स आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे फ्रॉम द मैच बिटवीन फ्लुमिनेंस एंड कुरिशन गोलकीपर हमने लिया है उसको ब्राजील के लिए पहले कीपिंग कर चुके हैं पहले सेलेक्ट किया जाते थे नेशनल टीम है इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट स्टॉपर रिलायबल रिलार कुरिंशन से गोलकीपर है आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं अगर डिफेंस की बात करें तो हमने थ्री मैन फ्लोमिन डिफेंस लिया है मार्सेलो फॉरमन रियालिनट्री लेजेंड सामो जावियर और नीनोफीलियो को नीनोफीलियो को अभी रिसेंट ब्राजील का भी कॉलम मिला था लास्ट दो इंटरनेशनल विंडोज से बट उन्हें खिलाया गया वो मोस्टली बेंच पे थे या आपको बताता है कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है तो आप इन्हें अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं चौथे सेंटर बैक को भी अगर आप लेना चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं हालांकि उनके नंबर्स लुकास के बहुत अच्छे नहीं हैं अगर वो स्टार्ट करेंगे और आपको फुल्ली ट्रस्ट है क्लीन शीट का या आप ग्रैंड लीग्स में टीम बना रहे हैं तो आप उन्हें अपनी टीम में ले सकते हैं मार्सेलो नीनोफिलियो को आप कैप्टनसी दे सकते हैं लेकिन इनके स्टैंड आउट डिफेंडर इस सीजन रहे हैं नीनियो एंड सामोल जावियर सामोल जावियर के टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं तो एक और इंसेंसम सान्टोस को लिया है जिन्होंने लास्ट मैच में पे पेनल्टी ली थी ये इनके मेन पेनल्टी टेकर हैं फुल बैक हैं इनके कुरिशंस के काफ़ी अच्छे डिफेंसिव नंबर्स हैं इनके और चांस क्रिएशन नंबर भी काफ़ी देते हैं तो ये आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं मिडफील्ड की हमने बात करें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे तो हमने चार प्लेयर्स जो सॉट आउट किया उसमें से कुरिशन हमने लिया है सबसे तो पहले रेनाटो तो ऑगस्टो इनको आप जानते होंगे ये ब्राजील के लिए पहले खेल चुके हैं नंबर टेन रोल में खेलते हैं अटैकिंग रिटर्न् तो दे ही सकते हैं आपको साथ ही ये डिफेंसिव वर्क रेट भी अच्छा देते हैं माइकन बारबेरॉन को हमने लिया है इस फ्रेंड्स में थोड़ा डिबेट कर सकते हैं इसमें आप गावरियल मुस्कराडो को भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि काफ़ी हाईली रेटेड हैं ब्राजील में उनके बार्सिलोना से भी लिंक हैं अगले समर में ट्रांसफर होने के तो आप उन्हें भी ले सकते हैं बेसिकली फ्रेंड्स माइकॉन बारबेरान और गैब्रियल मुस्कराडो को इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा इनफैक्ट इन्हीं दोनों की वजह से कोरिनसन जैसल सरवाइव भी कर पाई है और सुबह मेरी खाना के सेमीफाइनल तक भी गई थी बिकॉज इन दोनों की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इन द डिफेंसिव मिडफील्ड वी हैव जस्ट गो ओवर फॉर माइक ऑन बारबेरान आप इजली गैबर मॉस्कराडो को भी ले सकते हैं तो एफ्लूमिनियन से हमने दो प्लेयर लिया है पार्ट पोलो हेनरी को गांसो को और आंधे ट्रिंडाडे को जिनका नाम इस समय बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग में चल रहा है ब्राजील में आंधे ट्रिंडाडे लिवरपूल से हेविली लिंकड है मोस्ट लाइकली विंटर में उनका ट्रांसफर भी हो सकता है लिवरपूल में सेफ़ रिलायबल ऑप्शन इन इन्हें फ्यूचर भी कहा जाता है ब्राज़ील में एंड ब्राज़ीलियन पब्लिक आर डिमांडिंग फ्रॉम फर्नाडीज की अब इन्हें स्टार्ट कराया जाए ओवर आन ओवर इन द ब्राज़ील नेशनल टीम डिफेंसिव पॉइंट्स टैकल इंटरसेप्शन अटैकिंग रिटर्न चांस रेशन नंबर आपको हरे वेन्ट पॉइंट देते हैं इसलिए हमने इन्हें वाइस कैप्टनसी दी है फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग अ वन नेल या टू ने फ्लूमिनस विन इसने हमने दोनों फॉरवर्ड लिए हैं फ्रॉम फ्लूमिनंस है जर्मान कानो और जॉन कैनेडी दोनों का सीजन काफ़ी अच्छा गया है दोनों ने कुल मिलाकर ओवर फिफ्टीन गोल कंट्रीब्यूशंस के पंद्रह बीस गोल कंट्रीब्यूशन है इनके टोटल मिला के इस सीजन फॉर फ्लूमिनंस इसने हमने लिया है वी हैव जस्ट गॉन ओवर फॉर कैप्टनसी फॉर जॉन कैनेडी आप चाहें तो इसे जर्मन कानू को भी दे सकते हैं बट जॉन कैनेडी हमें लगता है कि थोड़ा सा क्रिएटिव रोल ऑक्यूपाई करेंगे और अच्छी प्रेजेंस देंगे इन द बॉक्स एज कम्पेयर टू समन लाइक जर्मन कानो एक और प्लेयर है फ्रेंड्स मातिस मार्टिनेली मिडफील्ड में आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको मातिष मार्टिनेली को लेना है तो आप पोलो हेनरी को गांसो को हटा के उन्हें अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं अगर माति बीड़ो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कॉरिनशंस तो आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं मातिष बीडो के फ्रेंड्स नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं इनफैक्ट चांस क्रिएशन नंबर्स में वो काफ़ी आगे हैं फॉर कॉरिनशंस तो माति उस बीड़ो को भी आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं इन ग्रैंड लीग अगर आप चाहें तो अपनी टीम में फैगनर को भी कंसिडर कर सकते हैं फैगनर के भी चांस रिश्न नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं कुरिशन तो इन सब दो तीन प्लेयर्स में अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन रोटेट कर सकते हैं फॉर अ स्मॉल लीग पॉइंट ऑफ व्यू ये टीम सेफ रहेगी अगर आपको लगता है कि कुरिशन इस मैच में स्कोर करेगी तो आप यूरो अलबर्टो कंसिडर कर सकते हैं जिनके पांच गोल और दो असिस्ट हैं इस सीज़न उनके रॉजर गेडेस के साथ पार्टनरशिप तो काफ़ी अच्छी थी बट रॉजर गेडेस अब कतर जा चुके हैं तो यूरो अलबर्टो विल बी आर स्ट्राइकर एंड सिंस वी आर बैकिंग कुरिनशन इस मैच में स्कोर नहीं करेगी इसलिए हमने उनको ड्रॉप किया है तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रीव्यू फॉर द ब्राज़ीलियन ए मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन फ्लुमिनेंस एंड कुरेंशन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तब तक के लिए फिर मिलते हैं इन अर नेक्स्ट प्रीव्यू स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच थैंक यू